Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूँ प्रिया. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लाई हूँ एक बेस्ट तरीका ड्राई स्किन, इरिटेट स्किन, फ्लेकी स्किन से छुटकारा पाने का. जिन लोग की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, सूखी रहती है, बिल्कुल बेजान सी रहती है, और गर्मियों में तो पूछो ही मत, जब भी स्वेटिंग होती है तो ऐसा लगता है स्किन छिली छिली महसूस हो रही है, इरिटेट हो गई है. तो इसके लिए आज मैं आपको एक होम फेशियल बताने वाली हूँ जो कि बेस्ट है, और इसमें मैंने सारी चीजें नेचुरल किचन वाली यूज की है जो कि आपको घर में आसानी से मिल जाएंगी, तो बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है. तो इस फेशियल को कैसे करना है और क्या क्या स्टेप्स हैं इसके, जिससे आपको इसका पूरा रिजल्ट मिले, क्योंकि इसे करने के बाद आपके फेस पे आएगा एक ग्लो जैसे मेरे फेस पे आ गया है, और ड्राई स्किन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी. और अगर आप इसको बताए हुए तरीके से करोगे तो धीमे धीमे आपकी स्किन पे ग्लो आने लगेगा, नॉर्मल होने लगेगी आपकी स्किन, और बिल्कुल भी ड्राई फ्लेकी स्किन की प्रॉब्लम नहीं होने वाली. तो आइए जल्दी से देखते हैं आप इस होम फेशियल को कैसे करेंगे. मगर रुको रुको दोस्तों, उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट कर देना अगर आपकी भी ड्राई स्किन है. और दोस्तों अगर आपकी ऑयली स्किन है और आप चाहते हो मैं ऑयली स्किन के लिए भी एक बेस्ट होम फेशियल बताऊं, तो वो भी कमेंट करिएगा. तो आइए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आते हैं स्टेप नंबर 1 जो है क्लींजिंग. इसमें हम यूज करेंगे कच्चा दूध और कॉटन पैड. इनको इसमें डिप कर लीजिए और अपने फेस और नेक को क्लीन कर लीजिए. ये बेस्ट तरीका है फेस को क्लीन करने का. इससे आपके फेस पे डीप क्लीनिंग होती है अच्छे से, और नेक को बिल्कुल मत भूलिएगा. और इसे करने के बाद आपको अपना फेस धोना नहीं है. इसके बाद हम करेंगे स्टेप नंबर 2. स्टेप 2 में हम करेंगे ड्राई स्किन एक्सफोलिएशन स्क्रब के थ्रू. इसमें मैं बनाऊंगी एक स्क्रब जिसमें आपको एक चम्मच शहद लेना है और उसमें एक चम्मच चीनी डालनी है जो नॉर्मल शुगर आप यूज करते हो, और इसको मिक्स कर लो और आपका स्क्रब तैयार है जो कि बेस्ट है ड्राई स्किन के लिए. इसको आप अपने फेस पे हल्के हाथों से लगाओगे और फिर बहुत ही जेंटली स्क्रब करोगे. बिल्कुल भी कस के नहीं करना है, हार्डली नहीं करना है, हल्के हाथों से आपको स्क्रबिंग करनी है. हनी आपके फेस को ड्राई नहीं होने देगा, सॉफ्ट बनाने में हेल्प करेगा, और शुगर आपके फेस से ड्राई सेल्स जो चिपकी हुई हैं आपके फेस पे उनको रिमूव करेगी, फ्लेकी स्किन है उसको रिमूव करेगी और फेस को सॉफ्ट और स्मूथ बनाएगी. तो इसको सिर्फ 1 मिनट से भी कम टाइम में आपको करना है और फिर फेस को धो लेना है. अब थर्ड स्टेप में करेंगे मसाज, जिसके लिए आप एक चम्मच कोकोनट ऑयल ले लीजिए और कॉटन की हेल्प से अपने पूरे फेस और नेक पे अप्लाई कर लीजिए. फेस मसाज करिए जैसे मैं आपको स्टेप्स दिखा रही हूँ. हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में आपको मसाज करनी चाहिए. फेस मसाज करने से ड्राई स्किन पे ये फायदा होता है कि ड्राई स्किन एक बहुत ज़्यादा सूखी त्वचा है जिसको हाइड्रेशन की ज़रूरत है और मसाज की ज़रूरत है, क्योंकि ड्राई स्किन पे एजिंग जल्दी आती है, झुर्रियाँ जल्दी पड़ती हैं. तो आपको ध्यान रखना है, अपने फेस को हाइड्रेट रखें, मॉइस्चराइज रखें. तो कोकोनट ऑयल यूज़ करिए या फिर ऑलिव ऑयल बेस्ट है ड्राई स्किन के लिए, और मसाज ज़रूर किया करें जिससे कि आपकी स्किन टाइट रहे, हाइड्रेट रहे और मॉइस्चराइज रहे. तो अब मैंने मसाज कर ली है, लगभग 5 मिनट तक मसाज करिए, फिर कॉटन की हेल्प से ऑयल को हटा दीजिए. और अब करेंगे स्टेप नंबर 4. फोर्थ स्टेप में हम बनाएंगे फेस पैक जो कि बहुत ही अच्छा है ड्राई स्किन के लिए. उसके लिए आपको कुछ ही इंग्रेडिएंट चाहिए, जैसे कि एक चम्मच शहद चाहिए, एक चम्मच चाहिए चंदन पाउडर, और इसमें आप मिला दीजिए 2 चम्मच एलोवेरा जेल, और मिक्स करके फेस पैक को तैयार कर लीजिए और अपने पूरे फेस पे इसको लगा लीजिए. इस फेस पैक को आप हफ्ते में 2 से 3 बार अप्लाई कर सकते हैं अगर फेशियल भी नहीं कर रहे हैं. इसमें मैंने इंग्रेडिएंट जो ऐड करें हैं जैसे एलोवेरा, हनी और चंदन पाउडर, आपके स्किन को बहुत ही ठंडक पहुंचाता है, इरिटेशन दूर करता है जो सूखी त्वचा पे हो जाती है, और फेस को ग्लोइंग बनाने में हेल्प करता है. जब ये सूख जाए तो फेस को धो लीजिए. देखा दोस्तों आपने कितना आसान है इस होम फेशियल को करना. तो जल्दी से करो और फिर मुझे फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा. इसमें मैंने सारे इंग्रेडिएंट ऐसे यूज किए हैं जो ड्राई फ्लेकी इरिटेट स्किन के लिए बेस्ट है.
और दोस्तों कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है जब आपकी ड्राई स्किन होती है, फ्लेकी स्किन होती है, आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए और एक स्किन केयर रूटीन सेट रखना चाहिए डेली, यानी कि आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगाइए अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग या फिर कोई क्रीम लगाकर जरूर रात में सोए और मॉर्निंग में भी लगाएं, तो इससे आपकी स्किन पे ड्राइनेस नहीं रहेगी और बिल्कुल भी खिंचाव नहीं रहेगा जो खिंची खिंची सी होती है स्किन, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही इस फेशियल को तो आपको हफ्ते में एक बार करना ही है, तो इसको करो और मुझे कमेंट करना। साथ ही वीडियो थोड़ी सी अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो मैं मिलती हूँ आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।